नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 5 से 8 दिसंबर के लिए दैनिक राशिफल। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। 11वीं राशि लेते हैं, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि 5 दिसंबर के दिन आपके किसी चलते हुए कार्य में कुछ रुकावटें आ सकती हैं या आपके किसी ऐसे कार्य में रुकावट आ सकती है जिसमें रुकावट आने के बारे में आप बिल्कुल आश्वस्त थे ही नहीं। अगर रुकावट आई है तो पहली चीज जान लें कि ये अस्थाई है, कुछ समय के लिए है और ये खत्म हो जाएगी। अब आते हैं 5 तारीख पर। 5 तारीख को आपको यूज करना चाहिए, स्पिरिचुअल दिन है, ईश्वर भक्ति की ओर मुड़े, आत्म केंद्रित हो, अंतर्मुखी हो जाएं। जितना ज्यादा आप आत्म केंद्रित होकर के अपने बारे में विचार करेंगे या अपने साथ स्व साक्षात्कार करेंगे, जैसे इंग्लिश में सेल्फ एनालिसिस मेंट कहते हैं, ये करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपके अंदर से निकल कर आएंगी और आप अपनी कई समस्याओं पर बहुत बढ़िया प्रकाश डाल पाएंगे। आप अपने गाइड इस दिन बन सकते हैं, आप अपने स्वयं के मार्गदर्शक इस दिन बन सकते हैं। 6 दिसंबर का दिन ऐसा है जब आप काफी मिलनसार, मृदुल, सरल और अच्छे व्यक्ति रहेंगे। लोग आपको पसंद करेंगे, आपके व्यवहार में एक ऐसा आकर्षण होगा जिससे लोग बंधेंगे। इस दिन आप जिस भी विषय पर चाहेंगे सटीक और बेहतरीन निर्णय ले पाएंगे, या ये कहें कि आप जिन योजनाओं को सुझाएंगे वे योजनाएं काबिले तारीफ होंगी। लेकिन योजनाओं को सुझाने के लिए इंतजार करें जब तक कोई आपसे पूछे ना। अगर अपने मामले में कोई योजना बना रहे हैं तो उस पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के लिए आपने कोई प्लानिंग कर ली है, उसके किसी समस्या को सुलझाने का रास्ता खोज लिया है, तो इंतजार करें, उसे आने दें। जब वो आपसे पूछे तब आप उसे सलाह इत्यादि दें। बिना पूछे बिना मांगे दी गई सलाह आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी, आप अपयश का शिकार हो सकते हैं। 7 दिसंबर एक ऐसा दिन है जब शैतान आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे। जी हाँ, शैतान भी कभी कभी कृपा दृष्टि बनाते हैं और इसलिए आप इस दिन बहुत अच्छे इंसान बने रहें। अगर आप किसी का बुरा नहीं करेंगे और कोई आपका बुरा करेगा तो शैतान उससे स्वयं निपट लेंगे। लेकिन अगर आपने इस दिन बुरा बनने का प्रयास किया, स्वार्थी बनने का प्रयास किया, पक्षपात किया, तो आप उनके गुस्से के शिकार हो सकते हैं। इसलिए अच्छे इंसान बने रहें, किसी को सताए नहीं, किसी को ताना ना माने, किसी के साथ दुर्व्यवहार इत्यादि ना करें, किसी का फायदा ना उठाएं। हर चीज आपके फेवर में ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि शैतान से पंगा लेना कोई भी चाहता नहीं है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी प्रकार के प्रेम प्रसंग में हैं तो 7 तारीख को संभाल के इस्तेमाल करें, क्योंकि अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका का फायदा उठाना आपके लिए बहुत ज्यादा महंगा साबित हो सकता है। वैसे वैवाहिक जीवन वालों के लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। 8 दिसंबर की बात करें तो 8 दिसंबर को आप ईश्वर के द्वारा दिए जा रहे संकेतों को समझने में थोड़े से नाकामयाब और थोड़े से कामयाब भी रहेंगे। जब आप नाकामयाब रहेंगे तो आप ईश्वर से आलोचना करेंगे, ईश्वर से आप अपनी उलाहना भेजेंगे और ईश्वर को इस चीज के लिए दोषी ठहराएंगे कि उन्होंने अभी तक आप पर ध्यान नहीं दिया, वो चीजें नहीं दी जिसके आप हकदार थे। और जब आप उनके संकेतों को समझेंगे तब आप देखेंगे कि ईश्वर आपके लिए रास्ते बनाते जा रहे हैं, रास्ते के कांटों को हटाते जा रहे हैं, और तब आप उन्हें धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकेंगे। 8 तारीख एक वोलाटाइल दिन है जब दिन के कुछ हिस्सों में आपका आत्मविश्वास चढ़ेगा और दिन के कुछ हिस्सों में आत्मविश्वास गिरेगा। कभी कभी आप दिन में अच्छा अच्छा फील करेंगे और कभी कभी निराश और हताश भी फील करेंगे। 8 तारीख को अपने इस मूड स्विंग को हावी न होने दें अपने ऊपर, और दूसरों के साथ जो आपका व्यवहार है इसे नियंत्रण में रखें। इन 4 दिनों में प्रेम संबंधों के लिए 5 तारीख तो अच्छे दिन नहीं है, 7 तारीख संभाल कर इस्तेमाल करें, बाकी 6 और 8 बढ़िया हैं। वैवाहिक जीवन के लिए 4 दिन बढ़िया हैं। व्यापार की दृष्टि से देखें तो 5 तारीख अच्छा दिन नहीं है, 8 तारीख सामान्य है, 6-7 बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 5 से 8 दिसंबर के लिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।